अथाह धन संपदा और वृद्धि का उपाय आज आपको बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और आपका बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूँगी कि कोई भी उपाय करते समय आस्था और श्रद्धा जरूरी है। काम जरूर बनता है, लेकिन उसकी चर्चा जब आप 10 लोगों से कर देते हो तो बनते बनते काम में रुकावट आ जाती है। तो एकाग्रचित मन से गुप्त रूप से आप उपाय करेंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मेहनत और परिश्रम करना भी अनिवार्य है। एक्चुअली उपाय करने से आपको रास्ते दिखने लगते हैं कि आपको करना क्या है और किस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं, अपनी जो संचित धन है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको लेने हैं अपने घर में मौजूद कोई भी रुपये, नहीं तो आप अपने बैंक से भी निकाल के ला सकते हो। कम से कम इसमें 1,000 रुपये होने ज़रूरी हैं। मिनिमम जो आप उपाय करेंगे उसके लिए 1,000 रुपये होने ज़रूरी हैं। उससे अधिक आप जितने भी अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ का ये ध्यान रखना है, जो पैसा है आपका खरी कमाई से कमाया हुआ होना चाहिए। कोई भी ऐसा पैसा जो गलत तरीके से कमाया हुआ होता है उसमें ये प्रयोग बिल्कुल भी काम नहीं देता है। जो भी पैसा है आपका खून पसीने से कमाई किया हुआ आपकी अपनी मेहनत का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको लेना है कुछ पैसा और इस पैसे को आपको रखना है अपने घर के ईशान कोण में पूजा करते समय। सिर्फ पूजा करते समय ही रखना है, वैसे ईशान कोण में पैसा रखना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन मंदिर जो है वो आपका ईशान कोण में ही होगा और वहीं पर आपको ये प्रयोग करना है। आपको लेनी है कपूर की कम से कम 11 इस तरह की टिकिया लेनी है और आपको लेना है एक बड़ा दिया। उस बड़े दिए के अंदर आपको ये कपूर की टिकिया रख देनी है और देशी घी का एक बत्ती बना के घी डाल के थोड़ा सा उसमें रख देना है। इसके बाद आपको लेना है पीपल का पत्ता और उस पीपल के पत्ते पर आपको श्री लिखना है। श्रीम लिखना है, श्री भी लिख सकते हो खाली आप, तो श्री लिखना है। इसके अलावा आपको उस दिन अपने घर में चावल की खीर बनानी है। चावल की खीर नहीं बना सकते तो आपको सफ़ेद चावल बनाने हैं और उसमें आपको थोड़ा सा डालना है बूरा और घी, ये चीज़ डालनी है। इसके बाद आपको इन जो नोट हैं इन पर हल्का सा रोली छिड़कते हुए और हल्के से चावल छिड़कने हैं, बहुत थोड़े से, जिससे कि नोट गंदे ना हो। आप चाहें तो ये हर नोट पर ना करें, सिंबॉलिक रूप से सिर्फ एक ही नोट पर भी ये कर सकते हैं। इसके बाद जो नोट हैं इनको साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप आपको समझना है और आपको ये कामना करनी है कि ये जो नोट है ना ये वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा संख्या में होते जा रहे हैं और आपके पास धन के भंडार भरते जा रहे हैं। इसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है और जो कपूर है उसको उसमें जो बर्न करके पूरे घर में आपको घुमा देना है। पूरे घर के में घुमाने के बाद उसको आपको घर के आंगन में, बाहर या फिर छत पर रख देना है। सावधानी पूर्वक ये काम आपको करना है क्योंकि कपूर में से एकदम से लपटें निकलती हैं, एकदम से आग निकलती हैं, तो पूर्ण सावधानी के साथ ये प्रयोग आपको करना है। और किसी हेल्प, घर में किसी सदस्य की हेल्प आप ले सकते हैं। घर के लोगों को बताने में कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो आपके ब्लड रिलेटिव हैं, स्पेशली अगर आप भाई बहन हैं, माता पिता को ही बताएं, चाचा चाची ताऊ वगैरह इनको नहीं बताएं। तो इस तरह से आप ये प्रयोग आप करिए और कम से कम आपको ये प्रयोग एक बार में ही फल देना चालू कर देगा, लेकिन आप इसको रेगुलर भी कर सकते हैं। रेगुलर अगर आपको करना है तो आप इसको फ्राइडे के दिन करें, फ्राइडे के दिन करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन जब ये प्रयोग आप करेंगे तो मुंह में कोई खुशबूदार चीज़ आपके होनी चाहिए, खुशबूदार सौंफ या खुशबूदार इलायची जो कि सिल्वर रैप की हुई होती है, वो आपको लेनी है। गुटखा खाते हैं तो गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है इस दौरान, और आपको सिर्फ सौंफ ही लेनी है और या इलायची लेनी है, सुपारी भी नहीं खानी है। खुशबूदार चीज़ के अंतर्गत सिर्फ इलायची और सौंफ, इसका प्रयोग आपको करना है। तो ये मुँह में लेकर और उसके बाद आपको ये सारे उपक्रम करने हैं और उसके बाद देखना आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो घर के सदस्य आपस में लड़ाई बिल्कुल ना करें, दोषारोपण ना करें, घर के लोग एक दूसरे की कमियां ना निकालें, घर की किसी भी स्त्री का आप अपमान मत करिए, बाहर की भी किसी स्त्री को अपमानित मत करिए, किसी से भी अकारण झगड़ा मत करिए। जब आप झगड़ा करते हैं तो आपका मंगल ग्रह प्रभावी होता है, जबकि पैसा पाने के लिए आपको शुक्र ग्रह की कृपा होनी अनिवार्य है। तो ये प्रयोग आप करिएगा, ऐसा करने से आपके नोट दिन दूनी रात चौकनी होने लगेंगे, लेकिन ये उन्हीं को फलेगा जो खून पसीने की कमाई और मेहनत से काम करते हैं।